नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, कक्षा पाँचवीं और आठवीं अध्ययनरत छात्रों के लिए और कक्षा पाँचवीं और आठवीं पढ़ा रहे अध्यापक साथियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। 12 वर्ष बाद कक्षा पाँचवीं और आठवीं की परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न पर कराने की तैयारी सरकार कर रही है। राज्य शिक्षा केंद्र ने प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया है। साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र ने 12 साल बाद फिर से कक्षा पाँचवीं और आठवीं की परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर कराने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। साथियों, आपको बता दें कि वर्ष 2017-18 में आरटी एक्ट में संशोधन के बाद बोर्ड पैटर्न पर परीक्षा कराने का रास्ता खुल गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद पाँचवीं और आठवीं की परीक्षाओं को, जो बोर्ड परीक्षाएँ थीं, उनको समाप्त कर दिया गया था। जो आरटीई एक्ट था, इस अधिनियम में किसी भी विद्यार्थी को आठवीं तक फेल नहीं करने की बात कही गई थी। बाद में शिक्षा के स्तर को बेहतर रखने के लिए वर्ष 2017-18 में अधिनियम में संशोधन किया गया है। साथियों, इसके तहत राज्यों को पाँचवीं और आठवीं की जो परीक्षाएं हैं बोर्ड पैटर्न पर करवाने के अधिकार दे दिए गए थे। साथियों, आपको बतला दें कि 2 साल से जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं नहीं हो पा रही हैं। कोरोना के चलते 2 साल से कक्षा पहली से लेकर आठवीं तक की परीक्षाएं रद्द रही हैं। सत्र 2019-20 में भी बोर्ड परीक्षाएं शुरू हुई थी, लेकिन कोरोना के चलते जो है ये परीक्षाएं बीच में ही स्थगित कर दी गई थी। साथियों, जैसा कि राज्य शिक्षा केंद्र के जो एग्जाम कंट्रोलर हैं वो कह रहे हैं कि शासन को पाँचवीं और आठवीं की परीक्षाएँ बोर्ड पैटर्न पर कराने के लिए प्रस्ताव भेज रहे हैं। यदि शासन की अनुमति मिलती है और कोरोना की स्थिति नियंत्रण में रही तो बोर्ड पैटर्न पर परीक्षाएं कराई जाएंगी। इसलिए अध्यापक साथियों को चाहिए कि वे कक्षा पाँचवीं और आठवीं में पढ़ रहे बच्चों की तैयारी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखकर करवाएं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, सितंबर माह में नियमित विद्यालय खुलने के बाद अध्यापक साथी और बच्चे नैस की तैयारी में लग गए थे। नैस की परीक्षा होने के उपरांत शासन ने ब्रिज कोर्स की पुस्तकें भेजी हैं, जिन पर हमें बच्चों से कार्य करवाना है और ये पुस्तकें इसी दिसंबर माह में पूरी भरवानी हैं। इसके उपरांत 1 जनवरी 2022 से हमें जो है विषयगत कोर्स पूरा करना है। साथियों, 2 माह में हमें विषयगत कोर्स पूरा करना है। यह एक अध्यापकों के लिए और बच्चों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि मार्च 2022 में वार्षिक परीक्षाएं आयोजित होंगी। इसलिए हमें जो है अतिरिक्त समय देकर बच्चों का कोर्स पूरा करना होगा। साथियों, आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।